भाई नया दिन नए व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग फिर से मम्मी की स्कूटी के साथ। अपनी गाड़ी घर पे खड़ी हुई क्योंकि आज भी मम्मी ने ऐसा काम किया जो मम्मी की स्कूटी से ही हो सकता है, मेरी बाइक से नहीं। तो फिर बस इसलिए मम्मी की स्कूटी लेके जा रहे हैं, कोलार जा रहे हैं। और क्या, कोलार में ही काम है, नानी के ही काम है। तो बस फिर से वही हाईवे वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो चलते हैं, बने रहिए व्लॉग पे और देखते रहिए व्लॉग्स ऑन प्लेजर, क्योंकि अभी R15 नहीं, प्लेजर है ना अपने पास, तो व्लॉग्स ऑन प्लेजर। वो आ गया, बस आ गया, मतलब वो हाईवे आ गया। देखो हाईवे से पहले पहाड़ देख लो, ये बताता हूँ इस पहाड़ की कहानी, यहाँ क्या हुआ था। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े हैं, ये तो पेड़ है यार, रुक जाओ अभी, ये पेड़ है। ये देखो, ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो पहाड़ है ना, इस पे बियर ग्रिल्स आया था भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूँ, पर सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बिल्डिंग की छत पे से देखा था बियर ग्रिल्स को। चूहा पकड़ के खा रहा था भाई, चूहा सोचो, कुछ भी खा लेता है भाई वो। तो मेरे को वो शो बहुत पसंद है यार, पर मेरे को भी। और यहीं पे पिछले बार रायता फैलते फैलते बचा था। भाई पर एक बात है कि भाई रायते के साथ पूड़ी बड़ी मस्त लगती है, पर मीठे रायते के साथ पूड़ी, मेरे को तो भाई मीठे रायते के साथ पूड़ी बड़ी मस्त लगती है भाई। इंसान का रायता नहीं, तो सही में बूंदी वाला रायता बनता उसका बोल रहा हूँ, वरना तुम इंसान का रायता समझने लगो। तो फिर से वही पुराना रोड, फिर से रॉन्ग साइड, हम फिर से कोलार की तरफ बढ़ते हुए, बहुत स्लो, बहुत आराम से कोलार की तरफ बढ़ते हुए। और धूप इतनी मस्त हो रही, क्या बताऊँ आप लोग को, पता ही है वैसे भी धूप में मैं गोरा हो जाता हूँ, और धूप इतनी मस्त हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। अगर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया ना, तो कोई लात मारने भी नहीं आएगा, मतलब लात मेरे को मारने नहीं, गाड़ी में लात लगाने, मारने से मतलब है गाड़ी में लात लगाने नहीं आएगा कोई। हाँ तो जाएंगे यार, वैसे दोस्त बहुत अच्छे हैं अपने, दोस्त नहीं भाई है, सब फैमिली है। जैसे आप लोग YouTube फैमिली हो, वैसे ही वो अपनी फैमिली है, कभी भी खड़े रहते हैं अपने लिए। ये देखो, ये भैया भी सिलेंडर लेके जा रहे हैं, कल मैं भी ऐसे ही सिलेंडर लेके गया था, पर भाई मैं आगे रख के गया था सिलेंडर, भाई पैर दुख गया था यार बहुत भयंकर वाला। अरे भाई ये तो इन लोगों ने तो पूरा ब्लॉक ही कर दिया, ओ तेरी, ये देखिए यहाँ रास्ता ही नहीं है यार, बंद ही कर दिया। बाप रे, अब कॉलोनी के अंदर से जाना पड़ेगा यार, बहुत लंबा जाना पड़ेगा, इतना तो पेट्रोल भी नहीं है। ब्लॉक ही कर दिया भाई इतने तो। अरे यार अब इतना लंबा घूम के जाना पड़ेगा यार, वैसे तो पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, और इतना लंबा घूम के जाओ भाई, ये लॉकडाउन जान ले लेगा भाई, सही में जान ले लेगा। भाई अब तो मास्क ना पहनने पे भी एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त वाला चालान मार रही है पुलिस, एक नंबर चालान मार रही है। तो कृपया करके मास्क पहने, रूल को फॉलो करें, मतलब भाई हेलमेट पहनो ना पहनो, पर मास्क ज़रूर पहनो, पर भाई हेलमेट पहनना चाहिए। मैं तो पहनता हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया जब से बाइक ली है, वरना मेरे पास भी जब स्कूटी थी भाई मैं नहीं पहनता था हेलमेट, मैं इतना ध्यान ही नहीं देता था हेलमेट पहनना भी है कि नहीं पहनना। वो तो जब से बाइक ले ली तब से स्टार्ट कर दिया भाई, स्पोर्ट्स बाइक में बिना हेलमेट के मज़ा ही नहीं आता भाई, लिटरली मेरे को हेलमेट पहन के इतना मज़ा आता है ना बाइक चलाने में, जिसके बिना हेलमेट के अच्छा ही नहीं लगता भाई,
हेलमेट में बस मज़े आ जाते हैं भाई बाइक चलाने में। भाई एक तो पूरे भोपाल में पाइपलाइन डल रही है ना, मतलब बहुत पहले से ही डल रही है, तो उसके चक्कर में जो तो धूल हो रही है ना, तो भाई पता नहीं कहीं की पाइपलाइन टूट गई है। तो भाई दरलंगा शाहपुरा यहाँ सब तो भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा, मतलब पेट्रोल कह रहा हूँ पानी नहीं है भाई, टैंकर डलवाने पड़ते हैं बताओ। और हमारी बिल्डिंग वाले तो माशाल्लाह लोग हैं भाई, भाई नल खुला करके छोड़ जाते हैं और टैंकर डलता है, इनको होश ही नहीं रहता है, नल खुला छोड़ जाते हैं, पूरा पानी वहीं बह जाता है भाई, पूरा का पूरा पानी बह जाता है, कोई मतलब भी नहीं रहता टैंकर डलवाने का, पूरा पानी तो क्योंकि ऐसे ही बह जाता है। भाई ये जो भैया हैं, ये जो कपड़े वाले भैया हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे कपड़े देते हैं, जीन्स बहुत सही देते हैं। अभी जिस दिन मेरे को बाइक उठानी थी भाई, मैंने इनसे टी शर्ट ले गया, मैंने इनसे बोला भैया छोटी पड़ जाएगी, अरे भाई स्ट्रेचेबल है ले जाओ आप तो एक नंबर फिटिंग आएगी। मैंने बोला भैया मैं पहनता, मेरे को पता, अरे बोलते क्या, अरे हम बेचते हैं हमें पता, आप टेंशन मत लो आपको आ जाएगी। भाई मैं गया घर, मैंने जैसे टी शर्ट पहनी, वो टी शर्ट कम क्रॉप टॉप ज़्यादा थी भाई, पूरी क्रॉप टॉप थी वो, उसने बोला यार नाटक, और मेरे पास ज़्यादा ब्लैक टी शर्ट। फिर भाई मेरे को बड़ी मुश्किल से एक शर्ट मिली, तो मेरे को थोड़ी ठीक लगी, फिर मेरे को जीन्स भी चेंज करनी पड़ी उस शर्ट के साथ साथ, बिना प्रेस करे मैं शर्ट पहन के गया था, बस इन भैया के चक्कर में। तो अरे नहीं भाई ले जाओ आप तो आ जाएगी आपको, आप टेंशन मत लो हम बेचते हैं पता है। मैंने भरोसा कर लिया, मैं गया और जैसे ही पहनी तो क्रॉप टॉप, मैंने बोला बहुत ही सही बहुत ही उमदा। फिर भाई मैंने वापस करके गया, फिर दूसरी टी शर्ट दिखा दे, बोलते छोटू ये ले लो, अरे मैंने बोला भैया ये भी उसी साइज़ की, कहते अरे नहीं आ जाएगी, मैंने बोला भैया नहीं आई है, मेरे को नहीं पता, कहते शर्ट ले जाओ। मैंने बोला मेरे पास उतना पैसा नहीं है, अमाउंट नहीं है मेरे पास, घर पे पड़े हुए पैसे, मैं लाना भूल गया तो मैं शर्ट नहीं ले सकता। पता नहीं कहाँ देख के चला रहे थे वो अंकल भाई गाड़ी, अंकल भी एंटिक थे भाई वो, अनशर्ट भाई। सॉरी शायद आधा व्लॉग कट गया होगा, क्योंकि भाई पता भी नहीं चला कैमरा बंद हो गया एकदम से, तो मैं एडिट तो कर दूंगा आप देख लेना, क्योंकि भाई आधा व्लॉग कट ही गया, पता ही नहीं चला भाई मेरे को कि भाई फिर से व्लॉग बंद हो